Hello friends, welcome to our channel. Myself Khushi. So today we are doing a program of addition in Java. This is our second video lecture in this playlist. So let's move to our program. तो हमने पहला प्रोग्राम बना लिया था हेलो वर्ल्ड का. हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम एडिशन का है. हम एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे. तो देखिए, ये जो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ ये एक्लिप्स सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बना रही हूँ प्रोग्राम. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम. तो देखो, ये यहाँ पे पैकेज एडिशन दे रखा है. ये पैकेज एडिशन क्यों दे रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट किया है एडिशन का. उसके बाद में मैं एक क्लास बना रही हूँ एडिशन की ही. तो मैंने यहाँ पे पैकेज एडिशन ले लिया क्योंकि मैंने पैकेज बनाया है एडिशन का नाम से. और दूसरा, मैंने पब्लिक क्लास बनाई है एडिशन डॉट जावा के नाम से. उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा है. अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन क्या होता है, हम एक मैन मेथड क्रिएट करते हैं जावा एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन कहते हैं. ठीक है, और ये एक तरह से कोर मेथड होता है प्रोग्राम का. और ये क्या करता है, कॉल करता है दूसरे को. और ये है ना, रिटर्न करता है वैल्यूज़ को और एक्सेप्ट करता है पैरामीटर्स को. अब ये तो था अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन का पूरा इंट्रो. यहाँ पे इंटीजर के अंदर इनिशियलाइज कर लूँगी ए वेरिएबल. इंट ए इज इक्वल्स टू, मैंने लेट सपोज 40 ले लिया. इंटीजर के अंदर ए वेरिएबल के अंदर मैं 40 इनिशियलाइज कर रही हूँ. उसके बाद में मैं इंट बी इज इक्वल्स टू 30 इनिशियलाइज कर रही हूँ. अब मेरे को इन दोनों का एडिशन कराना है. तो इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. ठीक है, अब हम लगाएंगे सिस आउट लिख के कंट्रोल और स्पेस दबा दोगे तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके अपने आप आ जाएगा. ठीक है, अब मैं इसके अंदर मेरे को क्या कराना है, ए को ऐड कराना है. किससे, बी से ऐड कराना है. ठीक है, ए प्लस मेरे को प्लस करवाना है बी से. तो ए प्लस बी, एक सेकेंड देख सकते हैं. हाँ, तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम बन चुका है. अब हम ना इसको रन करके देखते हैं कि ये सही है या गलत है. तो यहाँ पे देखिए, ये रन का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से रन कर रही हूँ इसको. तो 40 प्लस 30 कितना होता है, 70. ये आउटपुट आ गया अपना इस प्रोग्राम का. ठीक है, ये मैंने, मेरे को क्या करना था, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 70, मतलब 40 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 70 प्रिंट करवाना था. लाइक अगर मान लो मेरे को डायरेक्ट 70 प्रिंट कराना है, तो मैं ये सब नहीं लिखूँगी, डायरेक्ट सी लिख दूंगी. तो यहाँ पे डायरेक्ट 70 प्रिंट हो जाएगा. तो जब हमको पूरा प्रिंट करवाना होता है तो हम पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए होती है तो हम डायरेक्ट सी लिख देंगे, ताकि जो भी अपना आउटपुट है वो डायरेक्ट आ जाए. तो ये अपना प्रोग्राम था एडिशन का. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube video. If you like this video, then press the button of like, and for more video updates, subscribe my channel.